नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं स्पेशल योजना 2021, जो कि 2019-20 में जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, और 2020-21 में जो अभी रिजल्ट आने वाला है, तो इनमें जो पेपर नहीं दे पाए हैं जो, या फिर किसी का डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ कम परसेंट आ जाते हैं या फिर कोई फेल हो जाता है, तो रुक जाना नहीं है स्पेशल योजना के माध्यम से वो अपना पेपर दे सकता है। इसके बारे में मैंने कई बार बता भी चुका हूँ। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आवेदन की डेट आ चुकी है, कौन आवेदन कर सकता है, लास्ट डेट कब तक है, टाइम टेबल इसका कब आएगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा और परीक्षा कब होगी, रुक जाना नहीं स्पेशल योजना RJNS। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल में नहीं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ रुक जाना नहीं से संबंधित। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की सत्र 2020-21 की परीक्षा में आवेदन करने से वंचित 9वीं एवं 11वीं के बाद ड्रॉप आउट एवं बोर्ड परीक्षा से परीक्षाफल से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला, रुक जाना नहीं स्पेशल योजना। आप लोगों ने पहले देखा होगा 2017 से जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का फोटो लगता था, लेकिन अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लगा, मतलब दोनों के सहयोग से हुआ। तो चलिए बात करते हैं कौन से स्टूडेंट इसमें परीक्षा दे पाएंगे और आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, ये पूरी जानकारी अपन देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कब तक आप लोग का एग्ज़ाम डेट है पूरी जानकारी यहाँ पर स्पेशल रूप से मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले है कि कक्षा दसवीं के स्टूडेंट यदि हैं आप, तो 2019-20 में यदि आप परीक्षा नहीं दे पाए थे, मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा नौवीं हेतु नामांकित एवं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और 2018-19 में 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण, अथवा 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 11वीं हेतु नामांकित एवं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी परीक्षा दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बताया गया 19-20 में यदि आप पास नहीं हुए थे या फिर कुछ वजह से, जैसे अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था पिछले साल, लेकिन इस साल फिर से बताया जा रहा है कि 2019-20 का जो एग्ज़ाम है वो भी लिया जाएगा, और 2020-21 में जो विद्यार्थी असंतुष्ट हैं उनका भी एग्ज़ाम होगा, तो वे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका डेट अभी आया है उसके बारे में अपन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2020-21 के जारी किए जाने वाले परीक्षा फल से असंतुष्ट विद्यार्थी भी इसका परीक्षा दे सकते हैं। पाठ्यक्रम है कक्षा दसवीं एवं बारहवीं हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2020-21 के लिए जारी किया गया ब्लूप्रिंट एवं पाठ्यक्रम के आधार पर इन विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंक के ही होंगे। पूरा डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ प्यारे भाइयों, कि आप लोगों का यदि एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरेंगे जब, तो आप लोगों का परीक्षा पुराने जो ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया था ओरिजिन, मतलब मेन लोगों के लिए या फिर जो स्टूडेंट बोर्ड पेपर लेता है उनके लिए जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ था पाठ्यक्रम, तो उसी आधारित परीक्षा होगा। और सभी विषय के 100 नंबर होंगे। परीक्षा का केंद्र जिला स्तर पर ही परीक्षा होंगे। परीक्षा तिथि की बात करता हूं तो परीक्षा जो तिथि है वो 10वीं एवं 12वीं की विशेष परीक्षा 16 अगस्त 2021 से प्रारंभ होने की संभावना है। अभी डेट भी बढ़ भी सकता है। परीक्षा समय सारणी प्रवेश पत्र पर अंकित किया जाएगा। अभी प्रवेश पत्र नहीं आया है, जब प्रवेश पत्र आएगा एग्जाम डेट के 2-4 दिन पहले। आवेदन करने की जो तिथि है यहाँ पे बता देता हूँ, फॉर्म भरने की तिथि 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है जो कि 20 जुलाई तक है, लेकिन 10वीं 12वीं का मेरे ख्याल से 20 जुलाई तक में एग्ज़ाम आ पाएगा, आप लोग का रिजल्ट आ पाएगा, सॉरी रिजल्ट आ पाएगा 10वीं 12वीं वालों का, तो उनका जब रिजल्ट देर से आएगा तो यहाँ पर उनको भी मौका दिया जाएगा, इसलिए डेट बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तो बढ़ा नहीं है फिलहाल। यदि बढ़ेगा तो अपन बता देंगे। कोई भी दिक्कत होता कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा परीक्षा शुल्क जो है रुक जाना नहीं योजना के अनुसार ही रहेगा। पिछला मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यहाँ पर बता देता हूँ कि उनका जो कई साल से, मतलब जो भी रुक जाना नहीं में जो स्पेशल रूप से जितने सब्जेक्ट रहेंगे उसी के अनुसार पैसा लगेगा, तो आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। परीक्षा का माध्यम जो है हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, ठीक है, वही माध्यम रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कि आप लोग को फॉर्म कैसे भरना है, कहां पे आप लोग को देखना है कि आप लोग एडमिट कार्ड कहाँ आ गया और कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है और इसकी पूरी गाइडलाइंस कैसे देखना है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, पूरा जानकारी देने वाला हूँ।
पूरा बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को कैसे आप लोग को देखना, रुक जाना नहीं योजना संबंधित जो भी और भी छोटे भाई बहन उनसे भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है mpsos.nic.in, मतलब mpsos, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना वही mpsos.nic.in, ठीक है। अब जैसे इतना आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी को आप लोग यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा, सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं MPSOS, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगी तो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये, अब इसके आगे अपन चलते हैं, धीरे धीरे खिसकाते हैं। और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा रुक जाना नहीं योजना, यहाँ पर देखिए रुक जाना नहीं योजना 2021 के लिए है। रुक जाना नहीं स्पेशल योजना में आवेदन फॉर्म भरना है तो यहाँ से भरना पड़ेगा, और रुक जाना नहीं स्पेशल योजना में आप लोग को विज्ञापन, मतलब आप लोग को जानकारी यदि लेना है कुछ और ज़्यादा तो यहाँ से मिल जाएगा। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसको जानकारी, इसके बाद फॉर्म भरना। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, और PDF वही PDF आ गया है जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। रुक जाना नहीं स्पेशल योजना का आवेदन फॉर्म यहां से आप लोग को क्लिक करना है ताकि आप भर सकें। तो यहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आ चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन यहां पे अप्लाई करने के लिए कक्षा 10वीं के लिए जो कि 20 तारीख को लास्ट डेट दिखा रहा है, और इसके बाद यदि आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो 12वीं के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप भर सकते हैं, और ये यहाँ पर 20 तारीख को लास्ट डेट दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म है, मतलब पूरी जानकारी यहाँ पे पेड और रिसिप्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। एडमिट कार्ड का यहाँ पे, यदि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ से एडमिट कार्ड भी आप लोग निकाल सकते हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट, अटेंडेंस शीट, जो भी है आप लोग को यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके कोई भी हो सगे, या फिर जिनको आप जानकारी दे सकते हैं बिल्कुल दे दीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा व्हाट्सएप पे ताकि वो लोग भी स्टूडेंट देख सके। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म, आपको रुक जाना नहीं स्पेशल योजना के तहत आप लोग अपने अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद अप्लाई में आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे, और ताकि आप लोग पास हो सके। तो इस प्रकार से ये चलाए गए नहीं रुक जाना नहीं स्पेशल योजना के तहत आप लोग पास हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, और भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।